गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। सावन मास की पूर्णिमा कल 22 अगस्त दिन रविवार को है। सावन पूर्णिमा के दिन सावन माह का अंत हो जाता है। सावन मास का आखिरी दिन होता है। इस दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा का दिन है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। सावन पूर्णिमा सावन माह का आखिरी जो दिन होता है, ये भगवान शिव की पूजा के लिए आराधना के लिए भी अति उत्तम बताया गया है। इस दिन शिव की कृपा पाने का आखिरी मौका होता है। इस बार सावन पूर्णिमा पूरे 474 साल बाद अद्भुत संयोग लेकर के आया है। साथ ही गज केसरी योग, राजयोग, शोभन योग का शुभ संयोग भी इस पूर्णिमा पर बन रहा है। इस पावन पूर्णिमा पर इस अद्भुत संयोग के साथ कई पूजाएं उपाय हमें करनी चाहिए, जिससे प्रभु की उत्कृष्ट कृपा हमारे जीवन में हमें मिले। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ ही भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने वाले हैं, अचूक उपाय बताने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया ये बहुत आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, चारों ओर से धन का लाभ होता है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सभी कष्ट दुख पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। पूर्णिमा पर इस तरह स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप आपके घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की अति उत्तम कृपा प्राप्त होती है। आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। स्नान करने के पश्चात अब आप स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि जो पीला रंग है वो हरि विष्णु को अति प्रिय होता है। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है पूजा के दौरान, तो आप पीला रुमाल या पीला कपड़ा आपके पास आपको अवश्य ही रखना चाहिए। पूर्णिमा की उत्कृष्ट पूजा के लिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो के सामने या प्रतिमा के सामने, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनके सामने आपको घी का एक दीप प्रज्वलित करना है। घी के दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है। दिए को किसी पात्र में रखना है और ऐसा पात्र में रखना है, आप ध्यान रखें, उसके नीचे दिए के नीचे आपको साबुत चावल रखना है। दिए की जो ज्योत है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दिया जलाने के पश्चात आपको दिए को प्रणाम जरूर करना चाहिए। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी आपको अवश्य ही जलानी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रणाम करें और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। साथ ही साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करना है और हरि विष्णु को हल्दी से आपको तिलक करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मड़े हुए आटे की, अब आपको गेहूं के आटे की एक रोटी बनाना है। बिना नमक के आपको रोटी बनाना है। अब इस रोटी को एक प्लेट पर रख देना है। इस रोटी पर आपको शुद्ध घी लगाना है और साथ ही साथ आपको एक पात्र में थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक चुटकी आपको हल्दी लेना है। अगर गुड़ ना हो तो आप मिश्री या शक्कर भी ले सकते हैं। अब आप इन पात्रों को आपके जहाँ पे पूजन आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये रखना है। अब आपको एक तुलसी दल उस रोटी के ऊपर रखना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, तुलसी दल इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु भोग को ग्रहण कर लें। ध्यान रखें, रविवार का दिन है तो आप पुरानी जो तुलसी दल है वो आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास पुरानी तुलसी दल नहीं है तो आप पौधे के वहाँ से जो तुलसी दल जो घिरी होगी उन्हें आप उठा करके शुद्ध करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी जी के पौधे को आज के दिन आपको स्पर्श नहीं करना है। अब आपको भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करना है। भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। माता लक्ष्मी के उत्कृष्ट मंत्र ओम श्रीम नमः का 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद हो सके तो भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करें, माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें, हो सके तो शिव चालीसा का आज आपको पाठ करना चाहिए। इसके बाद सभी भगवानों को आपको प्रणाम करना है और सभी कष्ट और दारिद्रता दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करना है। आपकी जो भी पीड़ा है, तकलीफ है, भगवान के समक्ष आपको रखनी है। बड़े भक्ति भाव से
कि भगवान ये आपकी जो दुख दारिद्रता है वो दूर करेंगे। ऐसे मन में भाव होने चाहिए और आपकी जो करुणा है वो भगवान के सामने आपको रखनी है, दूर करने की प्रार्थना करनी है। जाने अनजाने में की गई जितनी भी गलतियां हैं उनके लिए क्षमा मांगनी है। उन सभी गलतियों की आप क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के पश्चात अब आप अपने मस्तक पर हल्दी से तिलक करें। इससे आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तिलक करने के बाद भगवान को जो आपने रोटी का भोग लगाया है, गुड़ का भोग लगाया है, एक चुटकी हल्दी जो रखी है, इन सभी को आपको रोटी के ऊपर रखना है और जो तुलसी दल जो रखी है वो भी आपको रोटी के ऊपर रखे रहने देना है। उसके बाद आपको उस रोटी को प्रणाम करना है, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना है। अब क्या करना है, आपको गो माता के पास ले जाकर गो माता को प्रणाम करना है, क्योंकि गो माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गो माता को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानना चाहिए। माना जाता है कि गो माता को भोजन कराने से 33 कोटि देवी देवताओं और ब्राह्मणों को भोजन कराने का उत्तम पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। गो माता को बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है हमारे शास्त्रों में। जो व्यक्ति इस तरह गौ माता को भोजन कराते हैं उन्हें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उनके उनके घर से जितने भी विघ्न हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। उनके घर में जो अचानक जो विघ्न आने वाले होते हैं वो पहले से ही समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। गौ माता को भोजन कराते समय आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का मन में आपको ध्यान करना है। ध्यान रखिए, गौ माता को आप अगर भोजन करा रहे हैं, इस प्रकार से भोजन करा रहे हैं, इस विधि से भोजन करा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रोटी खिलाते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, बासी रोटी नहीं वापरना है। ध्यान रखिएगा, गौ माता को पूरी सम्मान पूर्वक गौ माता को पूरे सम्मान पूर्वक आपको रोटी खिलाना है। यूँ नहीं कि आपने रोटी फेंक दी और गौ माता ने खा ली, अपने हाथों से आपको रोटी खिलाना है। गौ माता को रोटी खिलाते समय आपको चरण में, आपके जो पैर में, आपको कुछ भी नहीं पहनना है, ना चप्पल पहनना है, ना मोजे पहनना है, ना कोई जूते पहनना है। आपको नंगे पैर गौ माता को ये चीज़ खिलाई है। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद अब ध्यान रखिए, अगर हो सके तो आपको आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिए, सावन का आखिरी दिन है, रविवार का उत्तम दिन है, पूर्णिमा का दिन है, भगवान शिव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने का आखिरी दिन है और शिवलिंग पर प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात विराजमान होते हैं, तो उनका आज के दिन आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। बहुत ही उत्तम और पवित्र माना जाता है। भगवान शिव की भी असीम कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है कि सावन का इस पवित्र महीने में हमने आपकी उत्कृष्ट साधना की, प्रभु आपकी दिव्य कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बरसता रहे, जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाएं। वैसे तो प्रभु की आपने आराधना करी है तो प्रभु आपके साथ हैं, आपके जीवन के सारे विघ्नों का क्षय हो जाएगा। तो इस तरह आज का आपको उत्कृष्ट उपाय करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।